हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल के फ्रेंड्स आप देखिएगा। आप ही की डिमांड थी कि रिटर्न क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए मैंने प्रीवियस कुछ दिनों से हम ज्योग्राफी की क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट कंटेंट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की हमारी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं। और इसके बदले हमें बच्चों के फीडबैक भी काफ़ी अच्छे आने लगे हैं, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो कि प्रॉपरली वीडियोज़ देख रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे जो सूर्या प्रकाश सर हैं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उनके प्रॉपरली उन्हीं के वे में आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें काफ़ी मोटिवेट मिला है। हमें भी, हमारा भी हौसला बढ़ता है। देखिए, हम भी आपके लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, तो जब आपका फीडबैक आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें और काम करने का जुनून पैदा होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो उसी को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर अब जो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, जो बच्चे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि सर मैथ्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी बच्चे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे फिर इंडियन आर्मी की कोई सी भी ट्रेड हो गया, ठीक है, और टेरिटोरियल आर्मी हो गया या फिर मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, इसमें काफ़ी वेटेज रहता है मैथ्स का। और एक बात ध्यान रखना, मैथ्स अगर आपका अच्छा है, अगर मैथ्स आपकी कमांड है, तो आप इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम इजीली फाइट कर लेंगे, क्योंकि कोई सी भी एग्ज़ाम आप मैक्सिमम एग्ज़ाम देखेंगे ना, तो मैथ्स का वेटेज हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा रहता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस एकेडमी पर आपको यूट्यूब के माध्यम से अब मैथ्स की क्लासेस, जो कि हमारे सर ईआर लक्ष्मण सिंह जी चौहान, जो कि आपको यहाँ पर मैथ्स बेसिक लेवल से हायर लेवल तक का मैथ्स आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर बहुत जल्द पूरा सिलेबस लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो मैं आपको लक्ष्मण सर के बारे में कुछ इनका पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जो सर है हमारे, 4 से 5 साल का इनको ऑफलाइन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमारे यहाँ पर हम साथ में ही बच्चों को 4 से 5 साल तक हमने प्रीवियस जो हमारे पास्ट ईयर हैं उसमें मैथ्स सर पढ़ाते थे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। जैसे आप देखते ही होंगे, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं वीडियोस डालता रहता हूं। हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न का काफ़ी योगदान रहा है, लक्ष्मण सर का, सूर्यप्रकाश सर का, काफ़ी अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं रिटर्न में, और काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को। जो ये क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ना, वो क्वेश्चंस 101% बोल रहा हूँ, 101% एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप प्लीज़, आपको हम यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना। मैं लक्ष्मण सर से, आपका कुछ इंट्रो है, थोड़ा सा लक्ष्मण सर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ 2 मिनट इनकी बात सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और जो सर ने मेरा परिचय तो दे ही दिया है कि जो पास्ट मेरा था क्या था, सारी चीज़ें बता दी, मेरा नाम वगैरह सर। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हर चीज़ की एक रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे तो एक मैथ से भी आपकी एक रीढ़ की हड्डी है। हर अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, या हर डिफेंस के हर पार्ट्स में, या फिर अन्य जैसे शिक्षक भर्ती हुई या फिर पटवारी हुई, कोई सी भर्ती है, तो मैथ्स ऐसा है जो अपना एक रोल अदा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर यहाँ पर हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो क्या अलग करने जा रहे हैं, वो कुछ चीज़ें मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 या 2 सेकंड में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे बात करते हैं, मैथ्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम वहाँ से पढ़ते हैं 0 से लगाकर 10% की बात करें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो बीच का है ना, ये पार्ट गायब होता है, तो ये जो सारी आगे 100% जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है दिमाग में। तो समझने वाली बात है कि ये जो सीरीज लेके आ रहे हैं ये है 0 नॉलेज वालों के लिए। आपका कोई भी नॉलेज नहीं है मैथ्स में, कोई भी नॉलेज नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है ना। मैथ्स बहुत ही सरल विषय है, और हमको, हम चाहते हैं कि इसको हम और सरल तरीके से आपके सामने लेके आए, जितना भी हमारे पास है हम 100% देने की कोशिश करेंगे। बस आप अगर यहाँ पे भी हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, मैं पूरी भी सीरीज लेके आऊँगा, सिर्फ बेसिक्स लेवल से चलेंगे, बेसिक्स से चलेंगे,
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने से ही क्या होगी, आपको अपनी मंजिल मिलेगी, है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही कदम की बात कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे मैथ्स से रिलेटेड, वो सारे बेसिक लेवल से होंगे। बेसिक लेवल क्या क्या है, क्या क्या उसके सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। पर आप ये है कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि सर हमारे इस टॉपिक्स में हमें कमांड कम है, इस टॉपिक्स में कमांड ज़्यादा है, इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ाना है, वो सब आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मेरे को भी क्या रहेगा यहाँ पे कि हेल्प मिलेगी आपके माध्यम से, और ये समझेंगे कि आप और हमें बातचीत कर रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो सारा मैथ्स का जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे 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 हम जड़ से बात करेंगे, तो लास्ट तक उनकी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो मैं इतना ही कंटेंट डालूंगा जितना आपको समझ में आएगा, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, आगे बने रहिए। और इसी तरह से मैं अब अपने मैथ्स के भी डेली वीडियोस आएंगे, बाकी वीडियोस डाल ही रहेंगे, तो आप यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकें और आपके उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए अब आपका दो सब्जेक्ट तो आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट, ठीक है। ऑलरेडी मैथ्स का लक्ष्मण सर अब आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और बहुत शानदार पढ़ाएंगे, आप सिर्फ इनके वीडियोस फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए आप को अगर कुछ भी नहीं आता है ना मैथ्स में, अगर आप 0% भी है, आपको कभी आपने मैथ्स भी नहीं उठाया, फिर भी आप जैसे कोई आर्मी की एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमने ऑफलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस करी हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं उनका मैथ्स जो पोर्शन होता है काफ़ी वीक होता है, बच्चों को बहुत ही ऐसे जीरो लेवल से लेकर चलना पड़ता है उनको, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें बच्चों को ऑफलाइन हमने सिखाई है। हमारे सर खुद बच्चों पे मेहनत करते थे, जब हम ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उस समय बच्चों की कंडीशन हमें पता है कि जो एक डिफेंस सेक्टर के लिए बच्चा तैयारी करता है तो डायरेक्ट स्कूल पास आउट होता है 10th पास 12th पास, तो उसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन होता है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा वीक होता है। सभी बच्चों का नहीं, बट कुछ बच्चे देखे जाएं तो काफ़ी वीक रहते हैं। तो उन्हीं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरा एकदम आपको बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा। जो आपने स्कूल में आज तक नहीं सिखाया ना, वो खुद हम सिखाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। जो आपको ऑलरेडी स्कूल में पढ़कर आना चाहिए था, हमें पता है कि हमें खुद को भी नहीं, हमने खुद ने भी नहीं पढ़ा था, जब हम यहाँ पर आए, जब हमने चीज़ें देखी, तो हम भी आज सोचते हैं कि यार काश हमारे टाइम पर भी ऐसी स्टडी होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सीरियस होकर स्टडी करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब ज्योग्राफी की तो सर पढ़ा ही रहे हैं सूर्या सर, मैथ्स आपका जो नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट है वो लक्ष्मण सर लेकर आ रहे हैं। अब बच जाता है आपका मेन जो एक और सब्जेक्ट है जो अपने आप में काफ़ी हैवी है, और वो होता है जीएस, जनरल साइंस, ठीक है। अब जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और जो एक और भी जो साइंस का पोर्शन होता है, पूरा इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के कवर होता है जनरल साइंस, ठीक है। तो जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक जो है केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में साइंस का काफ़ी वेटेज रहता है। 20 से 25 नंबर तो रेलवे में ही आती है, 25 नंबर की साइंस रेलवे में आती है। मध्य प्रदेश पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको वहाँ पर साइंस के देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इंडियन आर्मी की टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी वेटेज होता है, 60% 70% साइंस रहता है इसमें, ठीक है, टेक्निकल और क्लर्क वाले बच्चों और नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को। तो सारा का सारा आपको इन्हीं एग्ज़ाम को पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, और सभी ये जो हमारे सर हैं, जो हमारी पूरी टीम है, आपको एक प्रॉपरली जो आप जिस फील्ड से हमसे जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि आप डिफेंस सेक्टर के लिए, और हम खुद भी डिफेंस सेक्टर के बच्चों को ही गाइड करते रहते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑल ओवर इंडिया की डिफेंस सेक्टर हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, टेरिटोरियल आर्मी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, हम काफ़ी टाइम से बच्चों को समय समय पर यहाँ पर गाइड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा यूट्यूब पर तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, इतना ट्रस्ट करना। और भी अगर कोई इशूज़ आता है आगे कुछ सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ हमें जिस तरीके से सर ने बताया कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे
तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ आप हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो हमारा अभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो कमेंट्स हैं वही हमारा एक तरीके से कन्वर्जेशन का काम करेगा, ठीक है। तो चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे फिर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें। आपके अगर डाउट्स बनते हैं तो आप डाउट जरूर पूछें, शर्माएं नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं तो हम सिखाने के लिए खड़े हैं। बस आपको हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको सीखते हुए चलना पड़ेगा। यकीन मानिए, जिस एग्ज़ाम की आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप जब पेपर देने बैठेंगे ना, अगर हमारा जितना भी कंटेंट आप पढ़ के जाएंगे ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, जितना हमने पढ़ाया 100% पूरा का पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन छप गए थे, ठीक है। और आने वाले समय में हम वो कुछ प्रीवियस पेपर भी हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, बट अभी फ़िलहाल में स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर चल रहे हैं बेसिक लेवल से। तो प्लीज़ आप भी बने रहिएगा, ठीक है। और पेशेंस ज़रूर रखना, क्योंकि सारी चीज़ें पेशेंस से ही होगी। अगर आपके पेशेंस है, डेडिकेशन है, और अगर आप हार्ड वर्कर हैं, तो देखिए आप एक दिन सफलता ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है। तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, तो देखिए समय सभी के लिए अभी डिफ़िकल्ट है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। अब जो नेक्स्ट आपको यही करना है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अभी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। बाकी जो भी समय के साथ होगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे वीडियोज़ के साथ। मैथ्स की वीडियोज़ आपको बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे, और हाँ साथ ही साथ रीजनिंग का आप एक सब्जेक्ट आपका बच जाता है, तो रीजनिंग भी आपके सर जो है सूर्या सर आपको ही कवर करवाएंगे काफ़ी अच्छे लेवल से। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है हमारे पास, आप प्लीज़ थोड़ा सा समय देख के जरूर पढ़ने का, ठीक, पढ़ने का ट्राई जरूर करिए। तो सभी को ऑल द बेस्ट, और जय हिंद, जय भारत।